पापा मैं उस्ताद जी के मोहल्ले में पहुँच चुकी हूँ। चेहरा मैं ले जाऊँ कहाँ, हुस्न को छुपाऊँ कहाँ, रोमियो हजार आगे पीछे दौड़े। ओफो पापा, मैं छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ, ऑफ कोर्स मैं उस्ताद जी को पहचान लूंगी। ओके पापा बाय। एक्सक्यूज मी, उस्ताद जी इसी मोहल्ले में रहते हैं? टर्न टर्न, एक सेकंड। हेलो जी, उस्ताद जी बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, अरे अरे, सिंगिंग सीखनी है, कोई बात नहीं। ए अरिजीत, वाटर कूलर निकाल के बाहर रखना। हाँ तो वो म्यूजिक सिखा देंगे। अरे उसमें क्या है, देखिए उदित जी वैसे ही बड़ा रिगार्ड करते, बाकी मैंने तो सिर्फ पॉलिश किया उदित नारायण साहब को, बाकी जी जी हाँ नो प्रॉब्लम, आ जाइए मैं सिखा दूंगा आपको। जी 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 हाँ बिल्कुल जी, आप कुछ कह रही थी? उस्ताद जी कहाँ मिलेंगे? आपको नहीं मिलेंगे। क्यों? कितना साफ साफ मैंने बोला अभी मैं उस्ताद जी हूँ, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा? वो मैंने सुना, लेकिन मैं कंफर्म कर रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने किन किन को गाना सिखाया? आप ये पूछो किस किस को नहीं सिखाया। अभी सुबह उदित नारायण साहब, शानुदा इधर थे, उदित जी को मैंने अंतरा दिया, शानू जी को मैंने संतरा दिया सुबह। लेकिन उनको संतरा क्यों? उनका जूस पीने का मन कर रहा था, गाने तो गाते रहते हुए तो। बाकी अलका जी तो वैसे ही मेरा नाम लेती है, मैं सिखाया नहीं पर ऐसे मानती है। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड, मैं पहली बार लाइव उस्ताद जी को देख रही हूँ। फिर तो आपको ये भी नहीं पता होगा उस्ताद को कैसे मिला जाता है। नहीं पता होगा उस्ताद को गले मिलते हैं, गले गले मिलते हैं, उस्ताद को हक करते हैं। निकाल दो जान उस्ताद की, गले लगाओ। गले क्यों मिलते हैं? गले का काम है ना। जैसे मेरे पिताजी का घड़ियों का काम था, तो वो हाथ मिलाते थे। अच्छा। मेरे चाचा जी वो तो गद्दे बेचते हैं, वो फिर लेट के मिलते हैं सबसे। हमने तो उनसे मिलना ही छोड़ दिया है। वैसे मुझे देख के क्या लगता है, मैं कब तक संगीत सीख जाऊंगी? आप पे डिपेंड करता है, उस्ताद के साथ जितना टाइम स्पेंड करोगी। आप सच में उस्ताद जी हैं? हाँ बिल्कुल उस्ताद जी हूँ मैं। आपको संगीत आता है? संगीत आता है, अरे रोज 7 से 9 आता है, कल तो खुला रहेगा, सारे गद्दे भीग गए, इतना संगीत आता है मेरे को। कभी कभी तो 5 मिनट पहले आता है, 2 मिनट बाद फिर आ जाता है ऐसा। आप संगीत के बारे में बात कर रहे हैं, पानी के बारे में? तो पानी में भी तो संगीत होता है। आपने गाना नहीं सुना? एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। तन भीगा है, सर गीला है, उसका कोई पेच भी ढीला है, तनती झुकती चलती रुकती, निकली अंधेरी रात में, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। ये आप लड़कियों को ये मोहल्ले में बुला के नचा रहे हैं? Excuse me, मुझे यहाँ पे किसी ने नहीं बुलाया, मैं यहाँ पर खुद आई हूँ। अच्छा, खुद मोहल्ले में आके नाच रही हैं दूसरों के? तो फिर एक काम कीजिए, आप रख लीजिए लाना। ज्यादा बकवास मत कर चाचा, तेरे ना ये नूडल जैसे बाल खींच लूंगी। ओ, मेरी बच्ची को भूख लगी है। Just shut up, okay? मैं आके मोहल्ले के उस्ताद जी से गाना सीखने आई हूँ। क्या मतलब? ये कपूर शर्मा है, उस्ताद जी मैं हूँ। उस्ताद जी आप हैं? Yes! उस्ताद घर छोड़ दास। घर छोड़ दास, ये कैसा नाम है? इसकी हरकतें ऐसी हैं, 2 महीने बाद घर छोड़ना पड़ता है इसको, इससे मुंह मत लगो, ये फ्रॉड आदमी है।
हेलो, खबरदार अगर दोबारा कभी मुझे आदमी कहा तो, फ्रॉड कहा तो। आप कैसी ये बातें कर रहे हैं भाई साहब, हमारी भी कोई इज्जत है यहाँ पे। ये नाटक कर रहा है, असली उस्ताद मैं ही हूँ। उस्ताद मैं हूँ, ये देखिए आप। ये क्या है? ये मेरे सगे भाई की माँ की कसम। ओह गॉड, मैं तो बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ कि असली उस्ताद है कौन। मैं काम करती हूँ, मैं आप दोनों का टेस्ट लेती हूँ। नहीं नहीं, मेरे से रोज और ब्लड नहीं दिया जाता, मैंने कल ही किया है। मैं ब्लड टेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिंगिंग टेस्ट की बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप लोग मुझे ये बताइए कि संगीत में कितने सुर होते हैं? अरे ये क्या, पांच सुर? पांच नहीं होते, सात होते हैं। आपने ये नहीं देखा ना, नीचे वाले दो, पांच ऊपर वाले दो, कभी कभी दो ऊपर। देख रही हैं, देख रही, सात सुर होते हैं। तो सात ही होते हैं। देख रही हैं, सात सुर होते हैं। सात नहीं होते। हेलो, हाँ बंटी, मैंने जो तुम्हें कल कहा था ना, बारह होते हैं बेटे, बारह महीने होते हैं, सुर सात ही होते हैं। हाँ। नहीं एक मिनट, ये सच्ची पूछने का क्या मतलब? इतने गुस्से में बोल रहा है, सच बोल रहा हूँ ना। Listen, stop it, okay? Be serious. Test के time पे phone call not allowed. Sorry, teacher. ठीक है, एक last test. हम आप दोनों का singing का मुकाबला करेंगे। Yeah. जो जीता वही उस्ताद। देखो, मैं मुकाबला करने को तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। हाँ। जब मैं गाऊंगा तो मैं इसके साथ डांस करूंगा। हाँ। और जब आप गाओगे, ये मेरे साथ डांस करेगी। हाँ। ये हुआ बराबरी का मुकाबला। आओ। रात नशीली नशे में सारा जहां है, रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है, आए शराबी मौसम बहकाए, इश्क तेरा मस्ताना, प्यार मेरा। तुम तो सुर में हो, तुमने मारा ना मेरे कान में, है बजा वो सुर टू करके आया। वेरी गुड वेरी गुड, दोबारा करना। ये आप चीटिंग कर रहे हैं, सबके सामने अच्छा गा के कर रहे हैं, सबको दिख रहा है। अरे एक सेकंड एक सेकंड, इस सब के बीच में ना मुझे मेरा उस्ताद मिल गया। कैसे मिल गया? मुझे पता है, मेरे पापा ने कहा था कि उस्ताद जी किसी भी चीज से धुन निकाल सकते हैं। तो मैंने कहां से निकाली है? हमने भी तो किसी भी चीज में से निकाली है। मैंने बताया आपको, फ्रॉड आदमी है ये। खबरदार मेरे उस्ताद जी के बारे में कुछ कहा तो। क्या क्या कहा तुमने? हाँ? तुम्हारा कहना। खबरदार मेरे उस्ताद जी के बारे में कुछ कहा तो। खबरदार की बात क्या कहा? मेरे उस्ताद जी के बारे में। उस्ताद जी से पहले मेरे मेरे सुन रहे हैं साहब, मेरे मेरे मेरे, ये हुई बात, ये अब मैं तुम्हें सब समझाऊंगा। शिष्य नाम क्या है तुम्हारा? गजल। मैं गाऊंगा तुम्हें, ठीक है?
और इस इंसान से यहाँ बच के रहना। मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ा फ्रॉड है ये, अपनी बीवी को भूल के बैठा हुआ यहाँ पे। भूल के नहीं बैठा मैं, मेरी याददाश्त चली गई है, मुझे कुछ याद नहीं रहता ठीक से। सच पुअर गाय। पुअर नहीं, पैसे हैं, याद नहीं रहता। हेलो, ये जो तुम्हें ओ करने से याद आता क्या उसको? आ रहा है, थोड़ा थोड़ा करो एक बार। मेरी बात सुनो, हम साथ में चलते हैं हारमोनियम पे, वहां जाके साथ में आओ और करेंगे। ओके, वैसे ये क्लासिकल बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन आप रोमांटिक। अच्छा लगा, मूड खराब करो, चले चलिए आप। यहाँ पे बड़ा अच्छा लगा, शिष्य मेरी बनी हुई है और ये इनको अच्छे लगे। सीजन की शुरुआत हो चुकी है, मुबारक। और इस सीजन में सिर्फ प्यार और मोहब्बत की बातें होंगी, इसलिए सबसे पहले मैंने अपनी बीवी को बुला दिया है, क्योंकि वो मुझे किसी और से प्यार करने नहीं देती। ओह गॉड। आपने तो सुने ही होगा कि दुनिया में कितनी है नफरतें, जिंदा रहेंगी मोहब्बत। एक बार मोहब्बत के नाम पर जोरदार तालियां। तो मोहब्बत की इसराफ में बुलाते हैं आज के हमारे सबसे पहले मेहमान को, प्लीज वेलकम सुपरस्टार मेरे पाजी मिस्टर अक्षय कुमार और साथ में गॉर्जियस रकुल प्रीत सिंह। रौनक जहां पे रहती यार वो ठिकाना तेरा, फूल चांद बादल खुशबू इनमें आना जाना तेरा, दिल देखे तू ले ले जा, तू है मेरा इश्क समाहिरिया, कंगन रुपी वाला पहना दूंगा ओ हीरिये। जोरदार तालियां अक्षय पाजी और रकुल के लिए। अक्षय बाजी, रकुल, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आपको ढेर सारी मुबारकबाद कठपुतली के लिए। मैं अपने दर्शकों को बता दूंगी, ये फिल्म जो है ओटीटी पे रिलीज हो चुकी है और ये सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ने के बेहद करीब है। जोरदार तालियां हो जाए। और एक और बात, कल ही अक्षय बाजी का बर्थडे था। थैंक यू बाजी। एक बात बताओ, हर बर्थडे पे आप एक साल छोटे कैसे हो जाते हैं? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.